नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र के सहरोज गांव में आज उस समय हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव के ही सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 2 के छात्र सुमित पर स्कूल का गेट टूटकर गिर पड़ा, उसमें दबकर उसकी मौत हो गई। हादसे में जहां पूरे गांव में यहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं शिक्षा विभाग भी सकते में आ गया है। गांव वालों ने स्कूल के हेड मास्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षा विभाग के हेडमास्टर समेत 2 शिक्षा मित्रों को निलंबित कर दिया गया है। गांव वालों ने स्कूल के हेडमास्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं मौके पर पहुंची सीओ श्वेता आशुतोष ओझा ने बताया कि स्कूल का गेट सुमित नाम के कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र के ऊपर गिर पड़ा था, जिसमें दबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे को लाया गया था जिसके सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मऊ से एटीवी न्यूज चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।